जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वाइब टीवी की स्पेशल अफ्तार नशरियात हैं नेमत अफ्तार, और आज हम 27वीं रमज़ान मुबारक की ये ट्रांसमिशन लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, नातवा भी हैं, मुफ्ती साहब भी हैं, तनवीर आफरीदी हैं और इरम भी हैं, इरम अली, जो कि इनकी एक पहचान और वही बताऊँगा थोड़ी देर में। हाँ, इनकी बहन की वजह से, फिजा की बहन, आप वही हैं फिजा की बहन। लेकिन बहुत डिफरेंस है पर्सनालिटी वाइज। आई डोंट नो, मैं फिजा से नहीं मिली, लेकिन इरम खुद बहुत अच्छी नेचर की, बहुत अच्छी, बहुत मिलनसार, बहुत मतलब वाकई बगैर, जिसे कहना चाहिए ना, जैसे जैसे तनवीर भाई हैं कि लोगों से बेगर्ज मिलना जरूरी नहीं है, कि कोई गर्ज हो तभी। मैं नहीं बोला मैं नहीं मिली हूँ, बट मैं इरम से मिली तो मुझे बहुत अच्छी लगती है इरम, और कोई वो नहीं है कि अच्छा जी मैं फिजा की बहन हूँ। नहीं, देखा जाए तो फिजा मेरी बहन है, क्योंकि पहले मैं पैदा ले आ रहा हूँ, वो 3 साल के बाद आई। हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ, ईद की तैयारी कैसे चल रही है? ईद की तैयारी, लड़कियों वाली बातें कर लें हम लोग? नहीं नहीं बिल्कुल, आप करें, चलो आपकी शॉपिंग हो गई है ना, हम लोग नमाज पे चलते हैं। आपकी तो शॉपिंग हो गई है। नहीं, फिर वही होगा कि मैं औरतों का शो कर लेते हैं और मैं चला जाता हूँ। हाँ बिल्कुल, बाय द वे लड़का कहने के लिए शुक्रिया। नहीं नहीं, आप इस गेटअप के बाद जो है ना, आप बिल्कुल चेंज लग रहे हैं और बहुत सूट कर रहा है। तमीर भाई थोड़ा सा उसका मुझे बताया ना, मतलब एक सॉन्ग आपका चला गुड्डी, उसके बाद एकदम वो इतना हिट हुआ, शुरू में जब आया था तो थोड़ा नॉर्मल रहा, उसके बाद एकदम से हिट हो गया। और वो जमाना था जब अब्रार का और इन सब का बिल्लो भी आया था, उसी से आगे पीछे बिल्लो आया, लड़ गई थी ना, उसका नाम अड़ गई। हाँ। गुड्डी मेरी सजना देखो ठे उतर गई। हाँ बिल्कुल, बस वो एक उस वक्त मुझे जरूरत महसूस हुई कि बसंत पर एक पंजाबी सॉन्ग होना चाहिए, डांस नंबर जो सेलिब्रेशंस में वहां लाहौर में काम आए, तो एक बिल्कुल फोकस्ड सॉन्ग था वो, बना था एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, तो वो बनाया हमने और वो ठक करके स्पॉन्सर हो गया। फिर मैं उस स्पॉन्सर का 12 साल तक ब्रांड एम्बेसडर रहा मैं उस कंपनी का, और मैंने उस कंपनी के लिए कोई 102 कॉन्सर्ट्स किए पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में। अच्छा, उसमें जो विलन था वो बाद में नहीं नजर आया मुझे, बहुत चुन के आपने विलन लिया था उसके चश्मे, और ये उस वक्त था जब वही हम हमेशा बात करते हैं म्यूजिक चैलेंज चार्ट की, और इस तरह के सारे गाने बड़े पॉप म्यूजिक बहुत आगे थी हमारी, और वो और सब सोलो कर रहे होते थे, पर उसमें गाड़ी जो यूज हुई वो भी बड़ी अलग से थी। बिल्कुल, जो उसमें विलन इन्होंने लिया था वो बड़ा अलग से था, जो उसमें हीरोइन थी ऐसन रहीम का ब्रेक थ्रू था, अच्छा ऐसन रहीम डायरेक्टर था उसका, और ऐसन रहीम का वो पहला मेजर ब्रेक, खदीजा रहमान थी ना, खदीजा रहमान जी, हाँ उनका मुस्तफा और वो डेल्टन में हॉस्टल टाइप के फ्लैट में रहते थे, तो मैं उसको जाके उठाया, नींद से जोड़ा, मैंने कहा एक वीडियो है जिसके प्रॉपर बजट है, जिसमें क्रेन भी होगी, ट्रैक्स भी होंगे, वाइड एंगल लेंस भी मिलेगा, उसको वाइड एंगल बहुत पसंद है ऐसन रहीम को, मैंने कहा वाइड एंगल लेंस भी मिलेगा तुझे, फ्लोर भी मिलेगा, सेट भी मिलेगा तुझे, जो जो चाहिए वो मिलेगा। उसने मुंह पे पानी मारा और उठ के खड़ा हो गया, कहने लगे ठीक है चलो मैं वीडियो बनाता हूं। अच्छा, ऐसन के साथ एक लड़की भी होती थी, आमना, ये तो बहुत बाद में, वो तो बहुत बाद में आई, सही, ऐसन पहले कर रहे थे बिल्ला से, मुझे तो खैर मैंने काफी फॉलो किया म्यूजिक, आमना वहां से आई है, लेकिन ऐसन की एक बात ये है कि ऐसन जितना भी तैयार हो जाए लगता है ऐसे ऐसे भी सोच रहा है। ऐसन ऐसन को मैं उस वक्त से जानता हूँ, ऐसन ने पहला वीडियो अपने करियर का जब वो राहिल राव को असिस्ट करते थे, एक लड़का आवारा हर लड़की को इशारा मेरा एक सॉन्ग था वो उन्होंने बनाया था 95 या 94 में, इस तरह 95-96 में लॉन्च हुआ था वो, तो ऐसन लाहौर में होते थे, वहाँ पर एनसीए के लोगों का एक ग्रुप जो है वो एस्टैब्लिश हो रहा था, जिसमें नीनी था, जवाद बशीर और आमना, सर इब्राहिम एक लड़का था, ये सारे आमना फिर बाद में आई जब कराची आई ये लोग, तो वो एक बड़ा दौर था। मैंने आपसे पूछा कि उस वक्त बिल्लो भी आया हुआ था और बहुत सारे गाने और बहुत सारे और बहुत सारे हिट्स हमें मिल रहे थे उस जमाने में, और बहुत यंग यंग लड़के भी आ रहे थे, तो कंपटीशन बहुत टफ था, लेकिन मुझे लगता था कि आप लोग कॉन्सर्ट्स में सब एक साथ हो रहे होते थे, और कॉन्सर्ट्स भी होते थे उस जमाने में, अब कॉन्सर्ट्स नहीं होते हैं, कुछ भी इस तरह की चीज नहीं हो रही होती है, अब तो क्रिकेट भी नहीं होती हमारे मुल्क में,
यही तो अफसोस स्पोर्ट्स भी नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा ना, अब हमले होते हैं खाली, अब तो खुद को हमले होते हैं, हमारी एयर बेसिस महफूज नहीं है, तो कॉन्सर्ट में कौन, मतलब कॉन्सर्ट के लिए अब हमें एनओसीज नहीं मिलते। मैंने 5 साल मतलब 3 साल पहले तकरीबन 3 साल के अरसे में 250 सोलो कॉन्सर्ट्स किए थे 40 शहरों में, ठीक है, और मेरा अपना पूरा सेटअप है इस काम का, जैसे लकी रानी सर्कस टाइप का अपना मेरी पूरी इन्वेंटरी है, ट्रक में अपना पूरा सामान कैरी करके शहर शहर जाके शोज करना। कारवाने मोहब्बत जो आपने किया था, कारवाने मोहब्बत भी मैंने किया था पीटीवी के साथ, तो इस तरह से मतलब वो पूरा एक हमारा सेटअप है, हम शोज करते हैं चप्पे चप्पे में जाके और फ्री शोज होते हैं पब्लिक के लिए, वो स्पॉन्सर्स की मदद से हम करते हैं। नदीम जाफरी साथ होते हैं उसमें, नदीम जाफरी भी बहुत वो तो अपना बड़ी है। हाँ। तो लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो इतनी खराब है कि हम हैदराबाद में शो कर रहे हैं, यहाँ पर कारसाज में बेनजीर साहिबा के जुलूस पे हमला हो गया, सही, तो हमारा वो एनओसी कैंसिल हो गया, फिर हम हैदराबाद से नामुराद लौटे, फिर आगे कहीं गए, वहाँ हर जगह डर लगा रहता है, हाँ। कहीं पे कोई थ्रेट कर देता है, कहीं पे कुछ हो जाता है, तो फिर अब वो कंपनियों ने पिछले 3 सालों में और मतलब अमूमन एक टैग के ऊपर दूसरा टैग लगाते थे, पहले वाला लगा रहता था, पहले वाला लगा रहता था, एयरलाइन वाले खुद ही निकालते होंगे कि निकालते थे कि ये तो हटाओ एनओसी मगरों लाओ। सही है जी, तो हम ऐसा करते हैं कि नाथ की गुजारिश करते हैं, फिर हम इसी के साथ ब्रेक पे चले जाएंगे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको किचन में ज्वाइन करेंगे। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता जैसे दुआ मांगता हूँ, अता करे तू शाने करीमी का सदका, अता करे तू शाने करीमी का सदका, न मांगूंगा तुझे से तो मांगूंगा कैसे, तेरा हूँ तुझे से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता जो पे भी
मौला मैं सदका इज़ागरा सदा मांगता हूँ मैं सदका इज़ागरा सदा मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझे